अरे आगे चलो मिला। मुजफ्फर हुसैन साहब, आप दौरे कर रहे हैं, कई नवरात्रि मंडल को भेंट दे रहे हैं, देवी के दर्शन कर रहे हैं, कितने दर्शन होते हैं लगभग आप जब से घर से निकलते हैं? आज अभी भी दर्शन के लिए हम उतरे थे नीचे, क्या कहेंगे उस पर? नवरात्रि है, गणेश उत्सव है, जब से मैं पॉलिटिक्स में हूँ 1985 से, नगर सेवक रहा, उपमहापौर रहा, विधान परिषद में रहा, तो शहर में हर फेस्टिवल में हमारी उपस्थिति रही और आज भी है। उसमें हम इलेक्शन हार गए तो लोगों से कट ऑफ हो गए, समाज से संबंध तोड़ दिया, ऐसा कभी हुआ नहीं। हमारा संबंध इस शहर में रहने वाले हर उस नागरिक से घर परिवार का है और इसीलिए लोग बड़े प्रेम से बुलाते हैं और हम इसको राजनीति के तराजू में कभी नहीं तोलते, इलेक्शन के तराजू में कभी नहीं तोलते। संबंध जो होता है वो अपनी जगह होता है और आप जब देव धर्म करने को जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, वो मन से जाते हैं, दिल से जाते हैं। मुजफ्फर साहब, आज मंडल के सभी पदाधिकारी हो या कार्यकर्ता हो, उनको एक उम्मीद जग रही है, अभी चुनाव भी करीब है, वो आपको नेता बनते हुए देखना चाहते हैं, आमदार बनते हुए देखना चाहते हैं। अभी हमने देखा कि कई लोग आपको बता रहे कि साहब तैयारी करो, इलेक्शन करीब है, हमको सुशिक्षित नेता चाहिए, क्या सोचते हैं आप ये सब? शहर ने, लोगों ने दो बार पिछले 10 सालों में लोगों को चुन करके दिया और लोगों की अब ये भावना है कि उनको जिस अपेक्षा से, जिस उम्मीद से उनको चुन करके दिया था, उस उम्मीद पर वो खरे नहीं उतरे हैं और इसीलिए लोग इस मर्तबा जो है बदलाव चाहते हैं। ये लोगों की भावनाओं से पता लगता है, उनके विचारों से पता लगता है और लोगों में उत्साह मुझे नज़र आ रहा है और लोग चाहते हैं कि जिस तरह से हमने नगर परिषद से लेकर महानगर पालिका तक सफ़र 2014 तक के इस शहर को दिया, चलाया, नियोजन किया, एग्जीक्यूशन किया, लोग ये चाहते हैं कि अब उस कड़ी को आगे बढ़ाया जाए। हम एक मंडल के लिए भेंट देने के लिए जा रहे हैं, हमको दिखाते हैं आपको मंडल में किस तरह से मुजफ्फर साहब दर्शन लेते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, आइए हम दिखाते हैं आपको। हाँ मुजफ्फर साहब, अभी हमने फिर से एक बार दर्शन के लिए मंडल को भेंट दी है, लोगों का रिस्पांस अच्छा रह रहा है, देख रहे हैं हम लोगों का, आपके लिए क्या कहेंगे, किस तरह का संदेश देना चाहेंगे शहरवासियों को? मीरा भाईंदर, शहर में काफ़ी समस्या 10 सालों में जिसका समाधान नहीं हुआ है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके हमारे सामने है, जो 2014 में हमने महापालिका में जब कांग्रेस एनसीपी की सत्ता ख़त्म हुई और बीजेपी की सत्ता आई, जिस हाल में शहर को छोड़ा था वही हाल शहर का आज है। इस शहर का डीपी प्लान नगर परिषद के ज़माने में बनना शुरू हुआ और महानगर पालिका बनते बनते वो पूरा हुआ। आज उस प्लान का भी टेन्योर ख़त्म हो चुका है, डेवलपमेंट प्लान का, और नया प्लान बन के एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए था, मगर अनफॉर्चुनेटली इस सरकार के रिजिम में वो प्लान भी सरकार के दफ्तरों में अभी तक पड़ा हुआ है। उस डीपी प्लान में हमने कई सुझाव दिए शहर के अगले 25 साल में शहर कैसा होना चाहिए, इस शहर के अगले 25 साल की क्या ज़रूरतें हैं उसके मद्देनज़र, नौजवानों की क्या ज़रूरतें हैं, बुज़ुर्गों के लिए क्या ज़रूरतें हैं, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रांसपोर्टेशन में, पुलिस महकमे के लिए, हॉस्पिटल्स, ट्रॉमा सेंटर्स, हेलीपैड्स, शहर में मुख्तलिफ़ जगहों पर हेलीपैड्स होना चाहिए, क्योंकि जब एपिडेमिक्स होती हैं या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता है, उस वक्त अगर इमीडिएट एयरलिफ्ट पेशेंट्स को करना है, लोगों को एयरलिफ्ट करना है, या फूड एंड सिविल सप्लाई करना है, या फोर्सेस को अगर इमीडिएटली आना है, हमने 26/11 हिंदुस्तान में देखा, मुंबई में देखा, तो फोर्सेस को लैंड करने के लिए, लाने के लिए, चॉपर्स को लैंड करने के लिए जगह अवेलेबल नहीं थी। तो ये एक बढ़ता हुआ शहर है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है, पालघर से लेके तो फिर न्यू अपना का अंधेरी तक का, इस पूरे हाईवे के ऊपर कोई भी ट्रॉमा हॉस्पिटल नहीं है गवर्नमेंट का, उसके लिए हमने प्रपोज बताया।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होने की ज़रूरत है। ये शहर का जो नया डीपी प्लान बन रहा है उसमें तकरीबन 30 लाख की आबादी होने वाली है। 30 लाख की आबादी को यहाँ से थाने तक के जाना ये नामुमकिन सी बात है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पर होना चाहिए। 2004 में हमने जो कोर्ट FMCG कोर्ट जो बनाया था, फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट की ज़मीन अलॉट की थी, वो इमारत की तामीर हुई, इमारत बनी हुई है। अब जब इलेक्शन आया है तो एक जज और कुछ स्टाफ की मान्यता सरकार ने दी, इलेक्शन आया इसके लिए दी, अन्यथा पिछले 5 साल से वो इमारत बन के पड़ी हुई है मगर स्टाफ अपॉइंट नहीं हुआ, उसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ। तो लॉ एंड जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स यहाँ पे होना चाहिए, पुलिस आयुक्तालय के लिए रेसिडेंस होना चाहिए, परेड ग्राउंड होना चाहिए, क्वार्टर्स होना चाहिए, हेल्थ सेक्टर के अंदर महापालिका का जो अस्पताल था वो गवर्नमेंट को दे दिया गया, गवर्नमेंट से एवरी ईयर उसमें फंडिंग आनी चाहिए, 200 बेड का अस्पताल है उसके लिए फंडिंग आनी चाहिए, वो फंडिंग नहीं आती है, गरीबों को दवा नहीं मिलती है, ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना पड़ता है, डायलिसिस के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो इस तरह का हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पानी का मैंने आपको बताया, शहर में पानी नहीं आया, 2019 में आने वाला था 24 घंटा पानी, आज तक वो पानी नहीं आया। मेट्रो 2019 में बनने वाली थी, आज 7 साल हो गया मेट्रो नहीं बनी है। कम्यूटेशन का प्रॉब्लम है, आज यहाँ से दहीसर चेकना का अगर क्रॉस करना है तो आपको 1.25 घंटा लगता है, 45 मिनट्स। 10 साल से सरकार महायुति की है, 10 साल से लोक प्रतिनिधि शहर में है, मगर एक टोल नाका का जो ट्रैफिक है जिसके लिए लोग परेशान हैं, वो समस्या का समाधान ये लोग नहीं कर पाए। इस वक्त हम भाईंदर पूर्व में मौजूद हैं, जहां पर भाईंदर ची आई माउली मंडल को भेंट दे रहे मीरा भाईंदर शहर के पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन।